तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर ये वीडियो है सबसे थोड़ी अलग वीडियो होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा कुछ अलग बताने वाला हूँ। और ये आपने शायद आई थिंक बहुत बंदों ने ये वीडियो देख भी ली होगी, और जिन बंदों ने ये वीडियो नहीं देखी उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने वीडियो देख रखी तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है? तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और इस वीडियो में मैं कोई लाइक गेम या ऐसे कुछ नहीं बोलने वाला कि लाइक करो, ठीक है? बस सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ना आपका मन करे तो प्लीज़ एक शेयर करना, ठीक है? क्योंकि एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का पूरा परिवार बच सकता है, ठीक है? तो भाई लोग, एक और बात, यहाँ पर बहुत बंदे मेरे को बोल रहे हैं वीडियो लेट क्यों हो रहे हैं, वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो गाइस, हाल ही में जो मैंने एक वीडियो डाली थी लोकेश गेमर लेफ्ट टीम हिंद वाली, तो उसमें मेरे को एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी थी, तो उसके चक्कर में थोड़ी वीडियो लेट हो रखी थी। ये मेरे को किसी में ना तो बताया ना कोई कहीं शेयर किया किसी को, जस्ट मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये सब पसंद नहीं है इस बार, ठीक है ना? और स्ट्राइक थी वो हट जाएगी या फिर कुछ तरीके से हट जाएगी, ठीक है ना? वो तो आते गाइस वीडियो को टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, ये बात है कल की, ठीक है? तो कल मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सतीश भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है? तो मैं ठीक है, मैं देखता हूँ, ओके भाई बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो उसके बाद वो एक वीडियो के लिंक देता है और रात के 12 बज चुके होते हैं, उसके बाद जस्ट मैं ऑफ फोन ऑफ करके सो जाता हूँ, ठीक है? तो सुबह जस्ट मैं एक आयुष भाई की वीडियो देखता हूँ और उधर मेरे को पता चलता है यूजी, यहाँ पर गाइस यूजी वांटेड राज के बारे में, ठीक है? पूरी स्टोरी के बारे में पता चलता है। अगर आपको यहाँ पर समझना है तो आप आयुष की वीडियो देख के देख सकते हैं जाके। तो गाइस, सीन क्या होता है, यूजी वांटेड राज एक लड़का है, 10th क्लास में पढ़ता है, और गाइस करीबन 15 या 16 साल का एक लड़का होगा, बच्चा होगा, ठीक है? एंड ये भाई है ना बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कंजेनियल डिफॉर्मिटी। और गाइस, इस बीमारी में आपको बता दें क्या होता है, आपके जो हाथ होते हैं ना, हाथ होते हैं वो पूरी तरह डेवलप या बन नहीं पाते, ठीक है ना? तो थोड़े आप समझ सकते हो, आपको फोटो में दिख रहा है कुछ इस तरीके का, आप यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाते हैं आपके हाथ हैं जो। तो भाई लोग, बात करें इस बीमारी के बारे में, तो ये बीमारी जेनेटिकली है, ठीक है? मतलब ये आती है माँ बाप से, ठीक है? तो जस्ट आपको बता दें कि ये सेम बीमारी जो है राज के पापा जी को भी है, ठीक है? पर वो थोड़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी ज़्यादा और हो रखी है उनके, ठीक है? सेम जो उनके हाथ में भी, तो उनके सेम ऐसी उनकी भी बीमारी है, तो ये माँ बाप से उनके ऊपर आई है, जेनेटिकली आई है, ठीक है? वैसे आपको सीन बता दो होता क्या है, ठीक है? जो राज के पापा ना, ठीक है, तो इन्होंने एक खरीदा था एक घर, ठीक है? और पहले एक किराए के रेंट के मकान पर रहते, तो उसके बाद इन्होंने खुद का घर खरीदा था, ठीक है, करीबन 20 लाख का, ठीक है? तो उनके बाद उन्होंने कुछ इनका पे भी कर दिया, 5 से 6 लाख पे भी कर दिया। फिर सीन क्या होता है, आपको पता होगा कोरोना की वजह से बहुतों का घर यहाँ पर घर या आपके जॉब है, बहुत जॉब छिन गई, ठीक है? बहुत लोगों की जॉब छिन गई। तो भाई लोग, अब उनको ना मार्च के मंथ तक उनको पूरे पैसे यहाँ पर उनको देने पड़ेंगे, नहीं तो जो पैसे दे रखे हैं 6 लाख रुपए दे रखे हैं वो भी उनके हाथ से जाएंगे, ठीक है? तो उसी चीज़ से डिप्रेस होकर राज के पापा जी ने यहाँ पर गाइस सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास कोई तो जॉब नहीं थी, रेंट पे करना था पूरा जॉब, पूरा 20 लाख पूरा पे करना था मार्च के महीने तक, और अगर नहीं किया तब भी उनको यहाँ पर 6 लाख रुपए पूरे जाते। तो अब तो इस टाइम वो ठीक हैं, अब ठीक, ठीक है। उन्होंने जो किया था ये चीज़ दिवाली के मंथ में किया था, ठीक है, दिवाली के टाइम पे, अब इस टाइम वो ठीक हैं। और आप उनके सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, जो गाइस आपको यहाँ पर उनके हैंडीकैप्ट होने के आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो जो आयुष मैंने सब कुछ उनका कंफर्म कर लिया है, ठीक है ना? और गाइस, रही बात वीडियो बनाने की, क्योंकि रात से मेरा जो कांटेक्ट है कल हुआ था, आप देख सकते हैं, आप टाइमिंग देख सकते हैं व्हाट्सअप की, तो कल ही मेरी रात से बात हुई थी, ठीक है? अब आते हैं गाइस मेन पॉइंट पे, ठीक है? और सबसे मेन पॉइंट है गाइस, अगर आपसे हेल्प हो सके, ठीक है, अगर आपसे हेल्प हो सके तो गाइस जरूर हेल्प करना। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आपको वीडियो के ऊपर दिख रहा है स्क्रीनशॉट, तो राज के पापा जी की सब बैंक के डिटेल दे दी है, अगर आपसे हेल्प हो सके तो जरूर हेल्प करना। अगर आपसे नहीं हो पाए, आपकी एज कम है, तो आप क्या करना है, आपको अपने घर वालों को वीडियो दिखानी है, अगर उनसे हो सकते वो हेल्प कर देंगे, अगर उनसे भी ना हो सकते अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प कर सके, आगे बढ़ सके और राज की हेल्प हो सके, ठीक है ना? और भाई लोग, एक और चीज़, राज भाई का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर आप जाके उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और राज भाई डेली अपलोड करते हैं वीडियो, बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और गाइस, वो जो खेलते हैं ना अपने हाथों से गाइस, ठीक, तुमको हाथ आपको फिंगर्स आपको देख सकते हैं, उनके हैंड से देख सकते हैं, उस तरीके से गेम खेलते हैं, ठीक है? आप उनकी वीडियो में जाके देख सकते हैं उनके, आप ज़्यादा आपको जानने के लिए उनके बारे में आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना? तो लास्ट टाइम यही बोलूंगा, आपसे जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करना, ठीक है? और गाइस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है? लाइक एम कुछ नहीं है, आपको बस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को पहुँचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके।